बैक डियर स्टूडेंट्स, आज हम फिर से हाजिर हुए हैं एक नए क्वेश्चन के साथ। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप 10th के एग्जाम देने वाले हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है। ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज ऑफ 3x4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 इफ टू ऑफ इट्स जीरोज आर √5/3 एंड −√5/3। देखिए, हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया गया है और इसके दो जीरोज दिए गए हैं। तो हमने क्या करना है, इसके बाकी वाले दो जीरोज जो है निकालने हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोज निकल सकते हैं? देखिए, जितनी हाईएस्ट पावर होगी उतने ही जीरोज निकलेंगे। हमारे पास हाईएस्ट पावर इसमें क्या है, 4। यहाँ कितनी है, 4। तो इसका मतलब इसके 4 जीरोज, दो तो उन्होंने दिए हुए हैं, दो जीरोज हमने और निकालने हैं। तो आइए निकालते हैं सॉल्यूशन। देखिए, जीरोज निकालने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि जीरोज ये कैसे निकालते हैं। हम देखिए, हम निकलते हैं गिवन आपने खुद लिखना है, यहाँ मैं लिखूंगा तो क्वेश्चन जो है लेंथी हो जाएगा। तो आप देखिए, हम जीरो जैसे लिखते हैं ना, x इक्वल टू √5/3 एंड x इक्वल टू −√5/3 ऐसे लिखते हैं जीरो। कोई भी पॉलिनोमियल हम सॉल्व करते हैं उसमें जब जीरोज निकालते हैं तो x की वैल्यूज ही आती है ना। देखो, यहाँ पे पॉलिनोमियल में x ही है, तो जीरो जब निकालेगा तो x ही निकलेगा, x इक्वल टू −√5/3 और x इक्वल टू √5/3, ठीक है ना। बहुत सारे जीरोज हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में सॉल्व किए थे, तो ऐसे निकलते हैं। आप क्या करते हैं, हम ट्रांसपोज करते हैं, यहाँ पे इसको ट्रांसपोज करते हैं, ये जैसे था, हम बैक जाते हैं यहाँ से, इसको इधर लाते हैं तो कितना हो जाएगा, −√5/3 और यहाँ पे क्या बचेगा, 0 एंड x, ये माइनस का है, इक्वल टू इस पर आएगा तो कितना हो जाएगा, √5/3, ठीक है, जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, हमारे पास बैक फॉर्म में आ गए, हम वापस जीरो निकाले हैं, उससे पीछे क्या आया था। अब देखिए, यहाँ से जीरो निकालोगे फिर से ये इक्वल टू को इस पर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, इसको इक्वल टू को इस पर भेजोगे तो ये फिर से हो जाएगा हमारे पास −√5/3। अब देखिए, इट इम्प्लाइज हमारे पास क्या है, ये एक्स माइनस, ये रूट दोनों के ऊपर है, ठीक है, 5/3 और इनटू दूसरा है हमारे पास एक्स प्लस √5/3, इसके हम पॉलिनोमियल बना रहे हैं। इट इम्प्लाइज, अब देखिए आपको कुछ दिख रहा है, ये x माइनस ए और x प्लस बी, मतलब a प्लस बी और a माइनस बी का कुछ फार्मूला नजर आ रहा है। मैं यहाँ रफ में लिख देता हूँ, ये हमारे पास फार्मूला होता है a माइनस बी इंटू होता है a प्लस बी, तो इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला रफ में आपने याद रखना है। तो वही फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे a की जगह क्या है x, ठीक है, और b की जगह क्या है √5/3। तो क्या आ जाएगा, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए की जगह यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्केयर माइनस बी स्केयर। अब बी का स्केयर देखिए क्या है, √5/3 और इसके ऊपर क्या है हमारे पास स्केयर। आपको पता है स्केयर और रूट के आपस में बनते नहीं है, तो इसलिए ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्केयर माइनस यहाँ पे बच गया सीधा 5/3। ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल निकल के आई है जीरोज के बीच में से। हमने क्या करना है, इस पॉलिनोमियल को इसके साथ, इस पॉलिनोमियल के साथ डिवाइड करना है। जो क्वेश्चन आएगा फिर उसमें से हम इसके दो जीरोस निकालेंगे। देखिए, अगर आपने यहाँ तक लिख लिया तो मैं, चलो रहने देते हैं, हम यहाँ निकल जाते हैं इसको साफ करके। तो हमारे पास पॉलिनोमियल है 3x⁴। यहाँ पर देखिए, ये हो गया 3x⁴। अरे यहाँ पे जगह तो कम है, यहाँ पे डिवाइड होगा नहीं, हम थोड़ा सा इसको साइड कर लेते हैं। यहाँ से इसको पॉलिनोमियल को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, चलो डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। डिवाइड किससे करेंगे, जो अभी पॉलिनोमियल हमने बनाई है। हमारे पास कहाँ है, क्या पॉलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। तो डिवाइड कीजिए, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स की पावर 4 है, एक्स की पावर 2 से हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे एक्स की पावर 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 भी है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x⁴। अब देखिए, −5/3, यहाँ पर 3 लग गया,
माइनस फाइव बाई थ्री को मल्टीप्लाई करना है थ्री एक्स के एफ से, तो क्या आंसर आएगा देखिए, माइनस फाइव बाई थ्री मल्टीप्लाई बाई थ्री, थ्री और थ्री कैंसिल, हमारे पास क्या बच गया माइनस का फाइव, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे माइनस का फाइव और साथ में एक्स स्क्वायर, माइनस फाइव एक्स स्क्वायर, समझ आइए, माइनस फाइव बाई थ्री इंटू इसके साथ मल्टीप्लाई करना, तो ये देखो ये थ्री और ये थ्री कैंसिल, माइनस फाइव एक्स स्क्वायर बच जाएगा, तो ये आ गया, ये हो जाएगा माइनस का और ये होगा माइनस माइनस और ये प्लस का, ये तो हो गया कैंसिल। अब ये देखिए हाईएस्ट पावर जो है ऊपर से इसको नीचे लाएंगे, सिक्स एक्स क्यूब को प्लस और माइनस माइनस होता है, फाइव एक्स स्क्वायर में से टू एक्स स्क्वायर माइनस के, बाकी कितना बच गया प्लस का थ्री एक्स स्क्वायर। आपको ये समझ नहीं आई होगी शायद कि हम यहाँ पे ये साइन चेंज क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे माइनस है ये प्लस है। देखिए अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ये देखिए यहाँ पे मैं एक रफ में बता दूँ आपको, जैसे हमारे पास माइनस टू एक्स स्क्वायर में से हमने क्या माइनस करना है, माइनस करना है माइनस का फाइव एक्स, माइनस का फाइव एक्स स्क्वायर। अब ये इस तरह से आ रहा है देखिए, माइनस टू एक्स स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा, माइनस इंटू माइनस कितना हो गया प्लस का फाइव एक्स स्क्वायर, तो फाइव एक्स स्क्वायर में से टू एक्स स्क्वायर के बाकी कितना बच गया प्लस का थ्री एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या बच गया थ्री एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से आप जो है वो शॉर्ट कर सकते हो, या इस तरह से भी करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, आपको नॉलेज होनी चाहिए। अब देखिए थ्री एक्स स्क्वायर आ गया और माइनस का यहाँ पे आ गया टेन एक्स और माइनस का फाइव। अब क्या करना है देखिए, एक्स स्क्वायर और ये एक्स क्यूब है तो यहाँ पर एक सिक्स भी कम है, तो मतलब सिक्स एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा सिक्स एक्स क्यूब हो जाएगा। फिर थ्री वन ज़ा थ्री, थ्री टू ज़ा सिक्स, फाइव टू ज़ा टेन, माइनस टेन एक्स, माइनस का टेन एक्स बन जाएगा। फिर क्या करना है वही साइन चेंज, प्लस का प्लस का माइनस का, माइनस का माइनस का प्लस, ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल। आपको ये समझ आया फाइव बाई थ्री इंटू सिक्स किया तो कैसे आया, देखिए फाइव बाई थ्री इंटू सिक्स, थ्री वन ज़ा थ्री, थ्री टू ज़ा सिक्स, फाइव टू ज़ा कितने हो गए टेन और साथ में क्या था यहाँ पर एक्स, तो टेन माइनस का टेन एक्स आ गया। अब यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास थ्री एक्स स्क्वायर, इसको उठा के नीचे लाए हम, यहाँ पे क्या बच गया माइनस का फाइव, समझा। हम देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी भी है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर, क्या काम है सीधा थ्री, थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर, फिर थ्री और थ्री कैंसिल, यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस फाइव कितना आ जाएगा माइनस फाइव, ये हो गया माइनस का, ये हो गया प्लस का, ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल, रिमाइंडर जीरो। हमारे पास क्वेश्चन क्या आ गया ये वाला थ्री एक्स के प्लस सिक्स एक्स प्लस थ्री, हमारे पास क्वेश्चन आ गया। अब देखिए अगर ये आपने लिख लिया होगा तो मैं इसको रब करता हूँ, फिर हम जो क्वेश्चन आया है हमारे पास, अब उसमें से हम क्या निकालेंगे दो जीरोज और निकालेंगे, कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, आप समझ सकते हो इसको, कोई मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिस मैथ में आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको ही याद रहेगा। देखिए थ्री एक्स स्क्वायर क्वेश्चन जो हमारे पास आया है प्लस सिक्स एक्स प्लस थ्री, अब फाइंड द जीरोज मैंने क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज 2.1 में करवाए थे, अगर आपको पता हो तो आप इसको देख सकते हो, अगर नहीं पता तो आप वीडियोस को जाके देख के सीख सकते हो कि जीरोज कैसे निकालते हैं। देखिए हम जीरोज निकालते हैं, क्या लिया हमने जो क्वेश्चन आया उसको ले लिया हमने, अब थ्री थ्री से कितने होते हैं नाइन, ब्रेकिंग मिडिल टर्म मैंने आपको करवाया था वहाँ क्वेश्चन करवाए हुए हैं, अब इसको इस तरह से ब्रेक करना है मल्टीप्लाई या सॉरी प्लस या माइनस करें तो ये सिक्स बनना चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो ये नाइन बनना चाहिए, तो हमारे पास थ्री थ्री ज़ा नाइन होते हैं। देखो इस टर्म को मैंने ऐसे ही लिखा, हमने इसको इसको मल्टीप्लाई करके पहले चेक किया, थ्री थ्री ज़ा होते हैं नाइन। अब देखिए थ्री एक्स के को ऐसे ही लिखा, इसको ब्रेक करना है, इसको लिखेंगे प्लस का थ्री एक्स फिर प्लस का थ्री एक्स, क्यों थ्री एक्स और थ्री एक्स सिक्स एक्स हो जाएंगे, और अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे थ्री थ्री ज़ा नाइन बन जाएगा सेंट लास्ट वाला, तो ये थ्री का थ्री वैसे ही रहेगा, समझा, 3x वैसे ही, इसको ब्रेक किया 3x 3x और ये साथ वाला ऐसे ही, क्योंकि हमने ब्रेक किसको किया है इसको। अब देखिए यहाँ इन दोनों में से कॉमन देखिए 3x कॉमन है, क्यों यहाँ पे भी 3x है यहाँ पे भी 3x है, अंदर क्या बच गया यहाँ पर 3x तो निकल गया एक एक्स बच गया, यहाँ पर क्या बच गया कुछ नहीं तो वन, यहाँ पे देखिए थ्री है थ्री है इसका मतलब थ्री कॉमन है, अंदर क्या बच गया एक्स प्लस वन। अब देखिए ये हो जाएगा थ्री एक्स ये वाला और प्लस का थ्री इक्वल टू जीरो, आर ये दोनों देखिए सेम कॉमन है तो एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, जीरो निकाल लो,
थ्री एक्स इक्वल टू, देखिए थ्री को ट्रांसपोज किया तो कितना आ गया माइनस का थ्री, ठीक है, और एक्स की वैल्यू निकालनी है तो थ्री डिवाइडेड बाई थ्री कहाँ चला गया डिवाइड में, थ्री वन जर थ्री, एक्स इक्वल टू कितना हो गया वन, समझा, एक्स हमारे पास वन आ गया। अब हमने क्या करना है, इसकी वैल्यूज निकालनी है। देखो इसकी वैल्यू भी निकली हुई है वैसे, देखो एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू कितना हो गया वन को ट्रांसपोज किया तो माइनस का वन। देखो दो जीरो तो उन्होंने दिए थे और दो जीरो हमने निकाल लिए वन और सॉरी ये भी माइनस वन है क्योंकि ये टर्म माइनस की थी। देखो देयरफॉर टू जीरोस आर माइनस वन एंड माइनस वन, दोनों जीरो जो है वो माइनस में आए हैं, यही जीरो हमने निकालने थे। तो आगे जो क्वेश्चन है इसके तीन क्वेश्चन तो हो चुके हैं, आगे जितने भी हैं वो आगे हम नेक्स्ट कल मिलेंगे। तो वीडियोस को आप देखिए, क्वेश्चन को समझिए, जहाँ से आपको लगे कि हमें समझ नहीं है आप कमेंट में फिर से दोबारा पूछ सकते हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।